हेलो एम एस सी वेलकम बैक टू माई चैनल तो आज हम लेक्चर को आगे को कंटिन्यू करते हैं ओके तो देखिए रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी हमने स्टार्ट की थी लेक्चर नंबर नाइन्थ पे हम पहुंच चुके हैं और आज के लेक्चर पे हमने बात करनी है ऑफ रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी ओके तो बहुत सिंपल टॉपिक है हमको कवर करनी है फाइव एप्लीकेशन एग्जाम्पल के फॉर्म में हम लोग सारी चीजों को कवर करते हुए चलेंगे तो स्टार्ट करते हैं सिंपली लेक्चर को ओके तो सबसे पहली चीज ये बोलना चाह रहा है कि रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी इज अ सिंपल टेक्निक सिंपल टेक्निक तो है साथ ही साथ आपको पता बताइए आई आर स्पेक्ट्रोस्कोपी ज्यादा अच्छी कंसीडर की जाती है जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर्स पर बताया हुआ था कैसे क्योंकि देखिये आईआर स्पेक्टोस्कोपी और रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी सेम चीज पे बात करते हैं कौन सी चीज पे दोनों बोलते हैं कि जब भी आप अपने सैंपल मॉलिक्यूल को इरेडिएट करेंगे कौन सी रेडिएशन से आई आर स्पेक्टोस्कोपी में इंफ्रा रेड रेडिएशन से रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में मोनोक्रोमेटिक लाइट से ओके okay? तो जैसे ही आप अपने मॉलिक्यूल को इरेडिएट करते हैं तो आपका मॉलिक्यूल वाइब्रेट और रोटेट करता है ये दोनों बात दोनों ये बात दोनों स्पेक्ट्रोस्कोपी ने बोली थी आई आर स्पेक्ट्रोस्कोपी ने भी रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी भी ने ओके okay? तो इसका मतलब क्या है दोनों के सेम चीज पे बात कर लेकिन दोनों अगर अगर सेम चीज पे बात कर रहे हैं हैं फिर भी अगर आप किसी को प्रेफरेंस देना चाहते कि कौन ज़्यादा ज़्यादा बेटर बेटर है तो आपको रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी तो स्पेक्ट्रोस्कोपी लगेगी उसके क्या आज की पे हमने वो ही देखना है की इट इज वैल्यूएबल मेथड फॉर डिटेक्टिंग वाइब्रेशन इसका मतलब कि अगर आपका वाइब्रेशन अगर कोई मॉलिक्यूल है किसी भी मॉलिक्यूल में कोई पर्टिकुलर वाइब्रेशन वाइब्रेशन की अगर अगर हम बात अगर वो वो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए इनएक्टिव है न, वो है ना रमन में एक्टिव होता यानी कि देखो आप देख सकते हैं जैसे मैं आपको बोलूं जैसे आपके पास डायटमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं ना डायटमिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं ऐसे मोलिक्यूल जो दो एटम से बने हुए हैं इतनी चीज क्लियर है आपको पता है डाएटमिक मॉलिक्यूल दो टाइप के होते हैं एक होता है होमोन्यूक्लियर एक होते हैं आपके हेट्रोन्यूक्लियर है ओके होमो ऐसे जिसमें दोनों मॉलिक्यूलिक्यूल जैसे जैसे H2, H2 में, में दोनों एटम हैं दो आपके एटम है बट ये दोनों एटम सेम टाइप के होके हाइड्रोन्यूक्लियर क्या होता है हाइड्रोन्यूक्लियर डायटमिक मॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल जो दो एटम से तो बने लेकिन इन दोनों एटम में अगर आप चेक करेंगे दोनों एटम आपको अलग अलग मिलेंगे जैसे हो गया एच सी एल ओके तो अगर मैं आपको बताऊं अगर आप आईआर स्पेक्ट्रोस्को देखेंगे ना तो आईआर स्पेक्ट्रोसोपी हेट्रोन्यूक्लियर कंपाउंड के लिए हेट्रोन्यूक्लियर डायटिक कंपाउंड के लिए तो एक्टिव वाइब्रेशन शो कराती है बट होमो न्यूक्लियर के लिए क्या कराती है इनएक्टिव वाइब्रेशन ओके अब ये क्यों कराते हैं है? आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ लेकिन रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के टर्म में अगर आप बात करेंगे दोनों मॉलिक्यूल के लिए ये दोनों मॉलिक्यूल रमन के केस में दोनों क्या होते हैं एक्टिव कंसिडर किए जाते हैं इसका मतलब क्या हुआ कि रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी ज्यादा अच्छी तरह से चीजों को डिटेक्ट करे हम ऐसा कह सकते हैं तो वही चीज बोल रहा है कि जो वाइब्रेशन आपको आईआर केस में इनएक्टिव मिलते हैं वो वाइब्रेशन अगर आप आई आर के टर्म में लेंगे सॉरी रमन के टर्म में लेंगे तो वो आपको एक्टिव मिलेंगे जो कि हमें चाहिए तो वही चीज बोल रहा है इसलिए भी हम बोल सकते हैं कि स्पेक्ट्रोस्कोपी स्पेक्ट्रोस्कोपी के ऊपर रमन ज्यादा है है चीज क्लियर अगली चीज क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि जो आपके रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी है ये हेल्प करती है टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ ए मॉलिक्यूल एंड ऑल्सो द स्ट्रक्चरल चेंज विच अगर ड्यू टू द एसोसिएशन डिसोसिएशन एंड द सॉल्यूशन ये बोल रहा है कि आपका कोई मॉलिक्यूल है उसका स्ट्रक्चर क्या है उसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस क्या आ रहे हैं जब भी उसमें कोई एसोसिएशन हो रहा है कोई डिसोसिएशन हो रहा है या फिर कोई सॉल्यूशन हो रहा है तो अगर उसमें कोई स्ट्रक्चरल चेंजेस है तो हम उसे डिटेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी और आपको पता है रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी हमारे सारे स्टेट के लिए एप्लीकेबल है अगर आपका सैंपल मॉलिक्यूल ना अगर वो आपका क्या होगा सॉलिड स्टेट में है चाहे लिक्विड स्टेट में है चाहे गैसे स्टेट में हो आपका रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी उसे इन्वेस्टिगेट कर सकता है लेकिन आई आर इंस्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं करता तो ऑब्वियसली बात है हम रमन को

तो पहली एप्लीकेशन है आपकी इल्यूसिडेशन ऑफ अ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ओके तो ये बोल रहा है कि आपको अगर कोई मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर डिटेक्ट करना है तो आप रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं पहली चीज ये बोल रहा है इट हेल्प टू फाइंड द स्ट्रक्चर ऑफ अ मॉलिक्यूल एंड द कॉम्प्लेक्स फ्रॉम द एक्टिविटी एंड द डिपोलराइजेशन रेशियो ऑफ अ रमन बैंड आपके मॉलिक्यूल आपका रमन इंस्पेक्ट्रोस्कोपी में आपको रमन बैंड मिलते ये हैं ये सारी चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं तो ये बोल रहा है कि आपके मॉलिक्यूल के लिए क्या रमन बैंड बन रहे हैं उनकी एक्टिविटी क्या है उनकी डिपोलराइजेशन रेशियो क्या है उनके विषय तो जब हम रमन बैंड निकालेंगे रमन बेन के बेसिस पे हम लोग किसी भी अनोन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर डिटेक्ट कर सकते हैं जैसे अगर हम एग्जाम्पल के रिस्पेक्ट में बात करें ए, ए सॉरी टाइप मॉलिक्यूल एक्स वाई थ्री मतलब ए बी थ्री भी बोल सकते हैं एक्स वाई थ्री मतलब कि ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें एक एटम तो अलग हो जैसे ये कोई एक एटम होगा इसके साथ तीन एटम जुड़े हुए होंगे बाहर से ओके तो ये जनरली बोल रहा है एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं आपको बता दू एसो थ्री एसो थ्री में देखो एस आपका क्या हो गया एक्स हो गया Y3 आपके क्या हो गए ये O3, थ्री ओके सिमिलरली आपका अगर बोला अमोनिया सॉरी अमोनिया अमोनिया में क्या होगा अमोनियम का जो नाइट्रोजन आइटम है ये आपका X की तरह बिहेव करेगा रिमेनिंग तीन हाइड्रोजन ये आपके तीन Y की तरह बिहेव करेंगे ओके okay? तो ये बोल रहा है कि अगर आप मॉलिक्यूल की बात करें कोई भी में हम लोग ये दोनों ही लेने वाले हैं तो ये बोल ये दोनों के रिस्पेक्ट में हम बात करें तो आपको पता है ए बी थ्री या फिर मॉलिक्यूल्स के लिए दो टाइप के स्ट्रक्चर्स जनरली सजेस्ट किए जाते हैं एक होता है ट्राइगोनल प्लेनर एक होता है आपका पिरामिडल कैसे आप देख सकते हैं ये है आपका ट्राइगोनल स्ट्रक्चर आप देखिए सेंटर पे आपका एक्स है तीन वाई आपके सराउंडिंग में प्रेजेंट है ये हो गया आपका ट्राइगोनल स्ट्रक्चर ओके दूसरा है आपका पिरामिडल स्ट्रक्चर पिरामिडल स्ट्रक्चर कैसा होता है आपका पिरामिड जैसे ये बन गया आपका पिरामिड जिसमें है लेकिन तीनों आपके नीचे की ओर बैंड करके एक दूसरे के साथ बैठे हुए यानी कि ये बन गया आपका पिरामिडल अब देखो दोनों का फॉर्मूला आपका ए एक्स वाई है बट दोनों की स्ट्रक्चर अलग अलग है तो वही चीज बोल रहा है कि रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी आपको बताता है कि आपका जो एक्स वाई थ्री मॉलिक्यूल्स है इनका स्ट्रक्चर कौन सा होगा क्योंकि आप देखें अगर आपको मैं एग्जाम्पल दिखाऊं X3 थ्री uh, मैंने आपको बोला SO3 के एक टाइप का एक्स वाई थ्री टाइप का मॉलिक्यूल है अगर आप SO3 के लिए स्ट्रक्चर प्रेफर करेंगे तो आपको प्रेफरेंसिबल स्ट्रक्चर क्या होगा आपका ट्राइगोनल होगा इतनी चीज क्लियर है दूसरा एग्जाम्पल दूसरा एग्जाम्पल मैंने आपको क्या दिया था अमोनिया का अमोनिया भी एक टाइप का एक्स वाई थ्री मॉलिक्यूल है लेकिन अमोनिया को कभी भी आप इस शेप में नहीं मिलेंगे आपको अमोनिया मिलता है इस शेप में पिरामिडल शेप में ओके तो उसका रीजन क्या है उसका रीजन हम लोग रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू भी कैलकुलेट कर सकते हैं तो आप देखिए ओके तो ये क्या बोल रहा है देखिए ये बोल रहा है फॉर एग्जाम्पल अगर हमने एसोथ्री लिया अगर एसोथ्री में आप मोड ऑफ वाइब्रेशन नंबर ऑफ वाइब्रेशन अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेंगे सिक्स वाइब्रेशन ओके और उन सिक्स वाइब्रेशन में से चार वाइब्रेशन आपके लिए क्या होता है एक्टिव होते हैं चार वाइब्रेशन को आप देखते हैं जिसमें से दो फंड दो वाइब्रेशन क्या होता है फंडामेंटल वाइब्रेशन होते हैं इतनी चीज क्लियर है यानी कि एसो थ्री में टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशन इज सिक्स जिसमें से चार वाइब्रेशन आपको जनरली दिखते हैं और चार वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी यहां पर आपको लिया है वन टू टू थ्री वन जीरो सिक्स एट 530 653 पर सेंटीमीटर, तो तीन चार वाइब्रेशन आपको यहाँ पर को दिखाएं टोटल होते तो हैं पर चार यहाँ पर को आपको जनरली ऑब्जर्व होते हैं ओके अब ये बोल रहा है, अगर आप यहाँ पर को देखेंगे इनमें से रमन एक्टिव और इनएक्टिव को चेक करेंगे तो तीन वाइब्रेशन आपके रमन एक्टिव कंसिडर किए जाते हैं कौन कौन से एक है ये थर्टीन वाले सॉरी ये है आपका थर्टीन थर्टी थर्टीन सॉरी ये आपका ये आपका गलत वैल्यू होगी ये आपकी थर्टीन थर्टी टू है ओके okay? तो एक वाइब्रेशन है आपका थर्टीन थर्टी टू वाला एक्टिव है दूसरा आपका ये वन जीरो सिक्स एट वाला एक्टिव है तीसरा आपका फाइव थर्टी वाला एक्टिव है ये वाला वाइब्रेशन रमन के लिए क्या होता है इनएक्टिव कंसिडर किया जाता है इट मीन एसओ थ्री केस में क्या है आपको तीन एक्टिव वाइब्रेशन मिल रहा है और इन तीन एक्टिव वाइब्रेशन की वजह से आपको सजेस्ट होता है कि आपका जो एसो थ्री का जो स्ट्रक्चर है वो कौन सा स्ट्रक्चर है प्लेनर स्ट्रक्चर क्योंकि इसमें क्या होता है आप सिमेट्री के बेसिस पे चेक करते हैं इसके लिए सिर्फ तीन सिमेट्री एक्टिव और तीन सिमेट्री एक्टिव होने की वजह से आपको इसका स्ट्रक्चर जस्ट लाइक ट्राइगोनल जैसा आपको Appear होता है, ओके, हो तो, आप आप तो आपको फोर वाइब्रेशन मिलेंगे ओके टोटल नंबर तो फोर वाइब्रेशन होता है और उनकी फ्रिक्वेंसी भी लिखी हुई है थ्री 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 सेवन नाइन फिफ्टी थ्री फोर वन फोर और वन सिक्स टू एट पर सेंटीमीटर ये चार फ्रिक्वेंसी रेंज आपको दी हुई है ओके लेकिन इन चार बैंड मतलब ये आपके बैंड हुए टाइप के ठीक है इनमें से कौन सा बैंड आपका एक्टिव है रमन के लिए कौन सा इनएक्टिव है तो आपको पता चलेगा सिर्फ दो बैंड आपके एक्टिव है क्योंकि यही दोनों बैंड आपके कहीं बैंड कर लीजिएगा ओके यही दोनों बैंड आपके स्पेक्ट्रम में शो होते हैं वो भी कौन कौन से एक है थ्री थ्री थ्री, थ्री सेवन एक है नाइन फिफ्टी फोर सेंटीमीटर यानी कि सिर्फ दो बैंड आपके लिए क्या है रमन एक्टिव अदरवाइज ये दोनों जो बचे हुए दो बैंड है ये आपके रमन के लिए क्या है इनएक्टिव ओके अब ये क्या बोल रहा है This reason that the two band in in a a Raman is is not not observed structure of ammonia fully symmetry. Aapke ammonia mein, symmetry स है थोड़ा ग्रुप थ्योरी का कॉन्सेप्ट भी यहां पर आता है अमोनिया केस में क्या होता है Symmetry absent होने की वजह से आपका जो अमोनिया मॉलिक्यूल है वो टोटल जो चार वाइब्रेशन है चार के चार वाइब्रेशन को शो नहीं करता सिर्फ दो वाइब्रेशन को शो करता है और दो वाइब्रेशन शो करने की वजह से फुल्ली नहीं होने की वजह से अमोनिया का स्ट्रक्चर क्या है पिरामिडल होता है तो आप देखिए दोनों आपके ए सॉरी एक्स वाई टाइप के मॉलिक्यूल है एक एसोथ्री है एक अमोनिया है ओके okay? अब दोनों सेम टाइप के मॉलिक्यूल होने के बावजूद भी दोनों क्या है अलग अलग टाइप की ज्योमेट्री शो करते हैं क्योंकि आपने देखा आप के केस में आपको तीन वाइब्रेशन मिल रहा है तीन टाइप के रमन एक्टिव वाइब्रेशन आपको मिल रहा है तीन एक्टिव वाइब्रेशन मिलने की वजह से इसकी ज्योमेट्री कुछ इस टाइप की आपको अपेयर होती है लेकिन अमोनिया के केस में सिर्फ दो वाइब्रेशन है दो वाइब्रेशन होने की वजह से इसकी ज्योमेट्री ये ना हो कि क्या हो जाती है पिरामिडल हो जाती है इतनी चीज क्लियर है ये हो गया आपका पहला एप्लीकेशन की आपकी ज्योमेट्री कैसी स्ट्रक्चर कैसा है इसे भी प्रिडिक्ट करता है कौन रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी ओके तो देखिए अगला है अगला है आपका नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड मतलब आप क्या है रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज करके क्या है किसी भी कंपाउंड में कोई भी कंपाउंड है वहां जो केमिकल बॉन्ड है उसका नेचर भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं देखिए यहाँ पर सिंपल सा लिखा हुआ है ये बोल रहा है कि आपके पास कोई टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स आपको पता है एग्जाम्पल के लिए, लिए लिखा है जैडन और एसओ ओके तो जैडन मतलब Zn आपका यहाँ पे होगा इसके चार चार Cl अटैच होंगे ओके और यहाँ पर को पता है ये आपका कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स है यहाँ पर जो है ये आपका Zn जो है ये आपका मेटल की तरह बिहेव करने वाला है और यहाँ पर जो Cl है वो एज अ लिगेंड बिहेव करेंगे ओके और बाकी एग्जांपल भी दिखे जैसे आपका जेडन सीएल SO हो गया आपका और आपके ये तो आपके टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है क्योंकि चार लिगेंट यहाँ पर को प्रेजेंट है ओके लेकिन कुछ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के एग्जाम्पल भी दिए जैसे आपका एस एफ फोर एस एफ फोर मतलब सल्फर है सल्फर के साथ आपके चार फ्लोरिन एज अ लिगेंट अटैच है यानी कि यूरेनियम है यूरेनियम के साथ चार अगर इन कॉम्प्लेक्स में और कौन सा वाइब्रेशन रमन के लिए इनएक्टिव है, है तो आपको पता चलेगा ये मॉलिक्यूल टोटली सिमिट्रिक होता है इनमें क्या होता है पूरी सिमिट्री प्रेजेंट है अब देखो सिमिट्री प्रेजेंट है तो ऑब्वियस बात है ये सारे वाइब्रेशन इस मॉलिक्यूल के क्या होंगे रमन एक्टिव क्योंकि देखो अमोन अमोनिया के केस में सिमेट्री की एब्सेंस होने की वजह से तो दो वाइब्रेशन हमारे एक्टिव हो रहे थे दो वाइब्रेशन इनएक्टिव सिमिलरली एसओ थ्री में भी आपकी सिमेट्री थोड़ी एब्सेंट थी जिसकी वजह से क्या है आपको सिर्फ तीन वाइब्रेशन एज एक्टिव मिले लेकिन यहाँ पर को बोल रहा है कि टेट्राहेड्रल और ऑक्ट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स क्या होता है टोटली सिमिट्रिक होते हैं टोटली सिमिट्रिक होने की वजह से क्या होता है इस मॉलिक्यूल में आपको सारे वाइब्रेशन रमन एक्टिव मिलते हैं ओके okay? रमन एक्टिव मिल गई ये तो ठीक हो गया अब ये बोल रहा है कि यहाँ पर को आप क्या रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी की हेल्प से आप यहाँ पर को मेटल और लिगिन मेटल लिगिन मतलब यहाँ पर जेडन और सीएल मैंने क्या बोला जेडन आपका मेटल की तरह बिहेव कर रहा है सीएल आपके लिगन की तरह बिहेव कर रहा है तो मेटल और लिगन की यहाँ पर की जो इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ है बॉन्ड स्ट्रेंथ बोले या फिर फोर्स कांस्टेंट बोले सेम चीज है यानी कि इस बॉन्ड की कितनी स्ट्रेंथ है इसको भी आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस इक्वेशन ये इक्वेशन क्या बोल रहा है यहाँ पर को देखो ये एम एल मतलब मैटर लेकिन बॉन्डिंग ही बताइए ओके okay? जो कि किसके इक्वल है ये बोल रहा है थर्टीन पॉइंट जीरो थ्री डॉट मतलब पॉइंट वन सिक्स रूट में लिखा है के अपॉन न्यू एम यानी कि ये है आपका रिड्यूस मास के पर न्यू आपका रिड्यूस मास रहता है और K हो गया आपका फोर्स कांस्टेंट तो जिसकी वजह से क्या है आप अपने मेटल और लिगिन के बीच की बॉन्ड केमिकल बॉन्ड को भी फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू भी आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं तो ये भी किसकी एप्लीकेशन बन जाती है रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी की एप्लीकेशन बन जाती है इतनी चीज क्लियर है अब हम आगे बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट एप्लीकेशन पे ओके okay? अगली एप्लीकेशन क्या है ठीक है तो थर्ड एप्लीकेशन क्या है बहुत ईजी है अगला ये बोल रहा है स्टडी ऑफ ए आयनिक इक्विलिब्रियम मतलब अगर आपके कोई आयनिक रिएक्शन है आयनिक इक्विलिब्रियम रिएक्शन है तो ऑब्वियस सी बात है वहां पर को कुछ ना कुछ कांस्टेंट के आपको मिलेगा तो अगर आपने इस कांस्टेंट के की वैल्यू को कैलकुलेट करना है इसे प्रिडिक्ट करना है तो आप रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज करके भी इस के की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं तो बन गई ना रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी की एप्लीकेशन तो कैसे करते हैं वो आप देखिए ओके okay? तो देखो एग्जाम्पल के लिए इसने दिया है एच एक्स एच एक्स मतलब कोई भी रिए कोई भी कंपाउंड जैसे आपका कोई एसिड है जैसे आपका एचसीएल है एचसीएल में क्या है हाइड्रोजन आपका यही है X मतलब कोई भी हैलोजन एटम जैसे आपने HCL लगा दिया सपोज ये ही है ओके okay? तो आपने क्या किया इस एच को या फिर HX को जैसे आपने वाटर की प्रेजेंस दी तो क्या हुआ ये एच से एक हाइड्रोजन चले गया वाटर की ओर जिसके वजह से आपको यहाँ पर एच थ्री पॉजिटिव मिला क्यों देखिए वाटर ने किया एक एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन दिया तो इसके बन गया ऊपर पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन सॉरी यहाँ पर जो हाइलोजन एटम है जो आपका ये एक्स है अगर इससे हाइड्रोजन चले जाएगा तो क्लोरीन के ऊपर क्या लग जाएगा नेगेटिव चार्ज तो यहाँ पर एक्सर्स नेगेटिव मिला ये रिएक्शन आपकी इक्विलिब्रियम रिएक्शन है यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड दोनों जगह ये प्रोसीड कर सकती है और अगर आप इसका कांस्टेंट देखेंगे तो के यहाँ पर आपको इसका कांस्टेंट मिल गया ओके okay? अब ये बोल रहा है यहाँ पे जो आपका के है ये एक टाइप का डिसोसिएशन कांस्टेंट है डिसोसिएशन कांस्टेंट है एसिड का क्यों क्योंकि यहाँ एसिड को ब्रेक कर रहा है ये रिएक्शन हो गया एसिड को ब्रेक कर रहा है तो के एक टाइप का डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट है अब ये बोल

इसका कंसंट्रेशन किसका कितना है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मतलब जितना ज्यादा आपका कंसंट्रेशन होगा आपकी जो रिएक्टेंट स्पीसीज है जो आपका सैंपल मॉलिक्यूल है इसका कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा उतनी ही ज्यादा आपकी स्कैटरिंग रे की जो आपकी स्कैटर्ड रे है उसकी इंटेंसिटी उतनी ही ज्यादा होगी इतनी चीज क्लियर है ये बोल रहा है इट इज फाउंड दैट द स्कैटर्ड इंटेंसिटी यानी कि जो स्कैटर्ड रे की जो इंटेंसिटी है वो किस पे डिपेंड करती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके कंसेंट्रेशन ऑफ स्कैटर्ड स्पीसीज जो उस रेडिएशन को स्कैटर्ड है उसके कंसेंट्रेशन पे। इट मीन क्या हुआ अगर आप कंसेंट्रेशन बढ़ाएंगे इस स्पीसीज का तो आपकी स्कैटर्ड की इंटेंसिटी भी खुद ब खुद बढ़ेगी ये चीज समझ में आई। अगर आप बताइए अगर हम लोग क्या पहले ये बोल रहा है कि एक्स एक्स जो आपका ये है इसमें जो वाइब्रेशन किया x भी आपका क्या एक मॉलिक्यूल है यहाँ पर आप देखिए ये वाइब्रेशन करेगा एक टाइप का ओके okay? तो यहाँ पर कोई जो एक्स में जो ये वाइब्रेशन हुआ वाइब्रेशन की वजह से जो आपकी रेडिएशन है उसकी अगर आप इंटेंसिटी निकालेंगे तो आप क्या निकाल सकते हैं इंटेंसिटी ऑफ किसकी नेगेटिव ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्योंकि हमने क्या बोला इंटेंसिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसेंट्रेशन टर्म के यानी कि ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपके एक्स के कंसेंट्रेशन के ओके सिमिलरली इंटेंसिटी अगर हम लोग ये एक्स एच एक्स के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो इसकी इंटेंसिटी

Upon, समझ ना के की वैल्यू कैसे निकलती के बोलता है आपका जो कांस्टेंट है ये किसके इक्वल होता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट तो देखिए प्रोडक्ट आपका क्या है ये है एक्स तो आपने एक्स की इंटेंसिटी रखी अपॉन में क्या रखा अपने रिएक्टेंट की इंटेंसिटी रिएक्टेंट क्या है आपका एच एक्स

टर्म में रखें आप रखे, आपको वही चीज मिलेगी ओके okay? तो ये इक्वेशन आपको मिलगी अब इस इक्वेशन से आपको क्या है के वैल्यू मिल जाएगी कैसे ये बोल रहा है वैल्यू ऑफ के कैन बी फाउंड बाई सिंपली मॉनिटरिंग द स्कैटरिंग इंटेंसिटी ऑफ अ वाइब्रेशन बॉन्ड ऑफ एक्स Respectively. अगर आपने क्या है अगर आपने आपने इस X और HX के जो की जो बॉन्ड इसकी इंटेंसिटी को कर लिया उसे आपने कर लिया मॉनिटर तो उस केस में क्या है आप के की वैल्यू भी तो प्रिडिक्ट कर सकते हैं कैसे करेंगे जब आप रमन आपको नोन नो होगी तभी तो करेंगे तो यहाँ भी आपके रमन एप्लीकेबल होती है इतनी चीज क्लियर आई अब हम आगे बढ़ते हैं कि अगली एप्लीकेशन क्या है ठीक है अगली एप्लीकेशन भी बहुत इजी ये बोल रहा है स्टडी ऑफ ए हाइड्रोजन बॉन्डेड इक्विलिब्रियम मतलब अगर आपको क्या है कोई हाइड्रोजन बॉन्डेड इक्विलिब्रियम मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है और वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम है तो वो बोल रहा है कि हाइड्रोजन बॉन्डेड इक्विलिब्रियम रिएक्शन को अगर आपने स्टडी करना है देन आप स्पेक्ट्रोस्कोपी की हेल्प से वो भी कर सकते हैं कैसे एग्जांपल के लिए देखिए यहाँ पर आप एक इक्वेशन देखिएगा ओके ये एक रिएक्शन है जिसमें यहाँ पर को एएच AH लिखा हुआ है ओके एएच AH आपका किसके साथ एड हुआ बी के साथ दो आपकी कॉन्सेंट्रेशन टर्म है यहाँ आपकी रिएक्शन प्रोसीड और रिएक्शन प्रोसीड होगी ये रिएक्शन आपकी इक्विलिब्रियम जाएगी ओके ये आपके क्योंकि ये क्या बोल रहा है हाइड्रोजन बॉन्डेड इक्विलिब्रियम रिएक्शन तो ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम है तो यहाँ पर एक कांस्टेंट होगा जिसे आप के कांस्टेंट बोलेंगे ओके okay? और रिएक्शन के बाद आपको प्रोडक्ट साइड क्या मिला आपके ए एच के साथ यहां पर को बी भी एड हो गया जिसकी वजह से यहाँ पर को आपको प्रोडक्ट क्या मिला ए एच पी ओके इसका मतलब क्या यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड हुई आप साफ साफ देख सकते हैं यहां पर ए एच था लेकिन इस हाइड्रोजन के साथ दूसरा एटम ऐड एट हो गया तो बन गया यहाँ पर को हाइड्रोजन बॉन्डिंग ओके अब यह बोल रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर को जो एटम्स होने चाहिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग कराने के लिए जो एटम्स होते हैं वो कैसे होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं तो यहाँ पर को ए और बी की प्लेस पर क्या होने चाहिए ऑक्सीजन नाइट्रोजन फ्लोरिन मतलब कोई भी एटम होने चाहिए इतनी चीज क्लियर है बट हमने इसका करना क्या ये बोल रहा है इस टाइप के रिएक्शन को अगर आपने स्टडी करना है आप स्पेक्ट्रोस्कोपी की हेल्प कर सकते हैं कैसे ये बोल रहा है देखो ये बोल रहा है कि इनिशियली क्या है अगर आप यहाँ पर को देखेंगे हाइड्रोजन और मैं दूसरे इंक यूज करती हूं आप देखिएगा यहाँ पे ये यह देखिए ओके ये बोल रहा है यहाँ पे जो आपका ए है और यहाँ पर जो एच है ये आपका एक बॉन्ड है अगर इस बॉन्ड के लिए अगर आप स्ट्रेचिंग वैल्यू निकालेंगे तो इनिशियली इसकी स्ट्रेचिंग वैल्यू कुछ और होगी और जब भी प्रोडक्ट बना प्रोडक्ट बना तो क्या हुआ ए एच के साथ यहाँ पर को बीबी तो अटैच हो गया तो इस बी की आने बी आने की वजह से यहाँ पर को बी का एडिशन होने की वजह से ए और एच की स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन में थोड़ा सा चेंज आएगा तो वही चीज बोल रहा है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग सी विल्वेंसी वैल्यू में कुछ ना तो कुछ चेंज आएगा इसके लिए फ्रीक्वेंसी होगी वो थोड़ी सी चेंज हो जाएगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई है okay? ओके अगर क्या बोल रहा है ये बोल रहा है दस बायजरिंग द स्कैटर्ड इंटेंसिटी ऑफ अएच एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड ए एच देखिये जैसे हमने ऊपर किया था अब आप क्या करेंगे अगर आपने इस बॉन्ड के लिए यानी कि AH ए एच के लिए जो आपका फ्री है फ्री एच के लिए आपने क्या है इसके लिए इंटेंसिटी निकाली यानी कि स्केटर्ड इंटेंसिटी निकाली दूसरे आपने किसके लिए निकाली जो हाइड्रोजन बॉन्डेड ए एच है यानी कि ए AH तो है बट यहाँ पर को आपका एक दूसरा ग्रुप एड हुआ है जो है बी और इस बॉन्ड के लिए आपने अगेन क्या निकाली स्केटर्ड इंटेंसिटी निकाली तो आप क्या कर सकते हैं इन दोनों की स्कैटर्ड इंटेंसिटी का यूज करके क्या है के की वैल्यू भी प्रिडिक्ट कर सकते जैसे हमने ऊपर की थी इतनी चीज क्लियर है तो आप क्या करेंगे के आपको पता है के क्या होता है के की वैल्यू होती है प्रोडक्ट अपऑन तो देखो प्रोडक्ट आपका ये है रिएक्टेंट आपकी ये साइड है तो यहाँ पर दोनों टर्म लिए हैं ए भी लिया है बी बी भी, भी लिया है तो इन दोनों की इसकी हेल्प से क्या अगर आपने इसकी इंटेंसिटी निकाली इसकी इंटेंसिटी निकाली इन दोनों की स्कैटर इंटेंसिटी की हेल्प से क्या आप के की वैल्यू भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं एग्जाम्पल के फॉर्म में यहाँ पर कोई एग्जाम्पल एक दिया ये बोल रहा है आपके पास इनिशियली ये कंपाउंड है जो कि ट्रांस स्टेट में प्रेजेंट है और ये कंपाउंड है आपका ओ जैसे आप देख सकते हैं आपने क्या किया ऑर्थो ऑर्थोपोजिशन में क्लोरो ग्रुप लगा दिया और ये पूरा ग्रुप है आपका फिनॉल ओके इसमें आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है ऑब्वियस सी बात होगी क्योंकि ये हाइड्रोजन के साथ जो ग्रुप अटैच है वो एक टाइप की इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ओके तो यहाँ पर को क्या है यहाँ पर को भी जो रिएक्शन हुई वो एक टाइप की क्या है जैसे हमने ऊपर बोली हाइड्रोजन बॉन्डेड इक्विलिब्रियम रिएक्शन है इसका क्या हुआ जैसे रिएक्शन हुई तो आप यहां देख सकते हैं यहां पर सिर्फ फॉर्म में क्या है हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में बॉन्डिंग होगी अब अगर आप यहां पर को ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के लिए वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी या फिर इंटेंसिटी की वैल्यू स्टैंडर्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकालेंगे इसके लिए वैल्यू अलग आएगी और इस वाले केस में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की वैल्यू अलग आएगी ओके okay? यानी कि ट्रांस के लिए वैल्यूज अलग मिलेंगी आपको सिस के लिए अलग मिलेंगी और वो कैसे मिलेंगी वो भी हम देख लेते हैं ये बोल रहा है आउट ऑफ दिस फॉर्म आपका जो ये फॉर्म हमने ऊपर देखे इसमें बोल रहा है सिस फॉर्म आपकी ज्यादा स्टेबलाइज है क्योंकि वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है क्योंकि आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग से तो आपका स्ट्रक्चर क्या होगा स्टेबल हो जाएगा ओके okay? लेकिन ये बोल रहा है टू बॉन्ड करस्पोडिंग टू अ फ्री ओ एच एंड ओ एच हाइड्रोजन बॉन्डेड जो एच OH है वो आपका रमन लाइन्स में रमन स्पेक्ट्रा में आपको शो हो रहा है तो आपने जब रमन स्पेक्ट्रा इनके लिए ड्रॉ किया इस कंपाउंड के लिए तो आपको दो दो लाइन आपको दो, मिली एक लाइन तो आपकी इसके लिए थी दूसरी इसके लिए थी यानी कि एक ट्रांसफॉर्म में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है स फॉर्म में यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी पॉसिबल हो रही है जिसकी वजह से आपको रमन स्पेक्ट्रा में दो लाइन आपको अपेयर हो रही है ओके और अगर ये बोल रहा है तो हाइड्रोजन बॉन्डेड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर आपको जो ये हाइड्रोजन बॉन्डेड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कराते समय जो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के है अगर उसकी वैल्यू भी आपने प्रिडिक्ट करनी है तो जैसे मैंने आपको बोला ऊपर वैसे ही आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कैसे आपने किया के यानी कि यहाँ तो मैं आपको जस्ट रिप्रेजेंट करा रही थी ये है आपका प्रॉपरली ये बोल रहा है कि K की के की वैल्यू क्या होगी आप क्या कीजिए जो आपका सिस फॉर्म है इसकी जो इंटेंसिटी है इसे आप डिवाइड कर लीजिए ट्रांसफॉर्म की इंटेंसिटी से ओके okay? और यहाँ पर इंटेंसिटी का रेशियो भी दिया हुआ

ज्यादा होगी तो आप रीजन भी दे सकते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हुआ ये सब इतनी चीज क्लियर है तो ये बन गया आपका एक अगला एप्लीकेशन कि आपकी रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी भी यहाँ भी यूजफुल होती है ओके अब हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट एप्लीकेशन पर ओके कि अब ये लास्ट एप्लीकेशन आपकी क्या है ठीक है तो बहुत है ये, ये बोल रहा है मैकेनिज्म ऑफ एटोमराइजेशन इसका मतलब क्या है ये बोलना चाह रहा है कि अगर आपका जो मॉलिक्यूल है जिसे आप इरेडिएट कर रहे हैं रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर ओके तो अगर आपका ये मॉलिक्यूल टॉटोमराइजेशन शो करता है नहीं करता है, ये भी हमें प्रिडिक्ट हो सकता है विद द हेल्प ऑफ रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है देखिए आपने क्या है आपको ये भी नहीं पता आपका जो ये मॉलिक्यूल है जो सैंपल नहीं मॉलिक्यूल है जिसे आप इरेडिएट कर रहे हैं आपको नहीं पता

और हाइड्रोजन एटम की हेल्प से ये क्या करता है टोटोमलाइजेशन करता है कीटो और इनोल टोटोम बनाता है कैसे देखिए ये जो आपका कंपाउंड है ना ये आपका कीटो फॉर्म है और ये जो आपका कार्बोक्सिलिक सॉरी आपका जो कार्बोनाइल कंपाउंड है ये कार्बोनाइल कंपाउंड है, है आपका इथाइल एसिटो एसिटिक एसिड ओके तो इस कंपाउंड में आप देखिए आपका जो कार्बोनाइल कंपाउंड है सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप इसके पास यहाँ पर को हाइड्रोजन एटम है इस सीओ ग्रुप के पास भी हाइड्रोजन एटम है ओके okay? तो ये हाइड्रोजन एटम की हेल्प से क्या करेगा यहाँ पर दो आपकी जैसे देखिए पर पर को यहां पर को यह है आपका कार्बन कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन ऊपर की और एक हाइड्रोजन नीचे की और, ओके तो यह क्या करेगा यह हाइड्रोजन को यहां पर को ले लेगा यानी कि यहां पर को इसने हाइड्रोजन तो देखो इसने क्या किया यह हाइड्रोजन आपका कहा गया ऑक्सीजन के पास यानी कि यहां पर से क्या हुआ यह डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट हो गया ये वाला हाइड्रोजन हो गया ऑक्सीजन के पास जिसकी वजह से क्या हुआ यहाँ पर को देखो ये पहले आपका कीटो फॉर्म में था कीटो फॉर्म में क्यों यहां पर आपको कीटो ग्रुप मिल रहे थे सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप मिल रहे थे ओके okay? लेकिन ये आपका इनोलिक फॉर्म हो गया क्यों क्योंकि कीटो के साथ यहाँ पर को इनोल ग्रुप आ गया यानी कि ऑक्सीजन ओ एच ग्रुप भी है हाइड्रोक्सी ग्रुप भी है इसके डबल बॉन्ड इसके साथ क्या इसके एडजस्ट पोजिशन पे डबल बॉन्ड है कैसे बना आप समझ गए यहाँ से डबल बॉन्ड कहां शिफ्ट हुआ यहाँ और इस ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन आ गया तो ये बन गया आपका एक और फॉर्म तो ये

यहां पर को आपको रमन स्पेक्ट्रा के अंदर दो रमन लाइन मिलेगी एक की फ्रिक्वेंसी एक की रेंज क्या है आपकी 1632 हंड्रेड पर सेंटीमीटर दूसरे की आपकी 1725 हंड्रेड ट्वेंटीमीटर इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये है कि हम लोगों ने इन दोनों पीक के बेसिस ये ये कर लिया कि आपका जो गिवन कंपाउंड है है इथाइल एसिड इसके में इसमें क्या बेसिसन करने की एबिलिटी है तभी आपके स्पेक्ट्रा में आपको दो लाइन मिली इतनी चीज क्लियर है ये दो लाइन किसकी वजह से ये इथैलिनिक बॉन्ड इथैलिनिक बॉन्ड मतलब ये डबल बॉन्ड की वजह से आपको मिली इतनी चीज क्लियर है अब देखो एक और एग्जाम्पल अगर हम लोग देखे तो आप ये देखिए हमने एक दूसरा एग्जाम्पल लिया है इथाइल डाई मिथाइल एसिटो एसिटेट यानी कि ये तो यही कंपाउंड है बट यहाँ पर हमने इस कंपाउंड में दो इथाइल ग्रुप को सॉरी दो मिथाइल ग्रुप को और ऐड कर दिया ओके दो मिथाइल ग्रुप कहाँ लगे ये हाइड्रोजन की प्लेस पे यहाँ पर आपने क्या किया हाइड्रोजन को हटाया यहाँ पर को दो आपकी मिथाइल ग्रुप बन गए इतनी चीज क्लियर है अब देखो ये बन गया आपका स्ट्रक्चर ये है आपका इथाइल डाई मिथाइल एसीटो एसीटेट इतनी चीज क्लियर है यानी कि बाकी चीजें सेम है आपने यहाँ दो मिथाइल ग्रुप को ऐड कर दिए यहाँ पे क्या है अब बताइए कार्बन के यहां पर कार्बोनिल ग्रुप है जो आपके पास C डबल बॉन्ड हो इसके एडजसेंट पे आपको कोई हाइड्रोजन एटम मिल रहा अभी आपको इस साइड पर कोई भी हाइड्रोजन आइटम नहीं मिल रहा क्योंकि देखो ये वाला हाइड्रोजन आइटम नहीं ये वाला हाइड्रोजन हम क्यों बात करनी है हाइड्रोजन की प्लेस पर कौन आ गई दो मिथाइल ग्रुप अब यहाँ पर कोई टोटोमनाइजेशन करना तो पॉसिबल ही नहीं है तो इस कंपाउंड के लिए अगर आप इस कंपाउंड को जिसका नाम क्या है इथाइल डायमिथाइल इसके लिए अगर आप रमन स्पेक्ट्रा ड्रॉ करेंगे तो आपको क्या है सिंगल पीक मिलेगी क्यों सिंगल पीक मिली क्योंकि इस कंपाउंड में टोटोमराइजेशन करने की एबिलिटी है ही नहीं अगर टोटोमराइजेशन ही नहीं करेगा तो इसका दूसरा आइसोमर तो फॉर्म होगा नहीं अगर दूसरा फॉर्म नहीं है तो दूसरा आइसोमर के लिए पीक कहां से मिलेगी तो एक ही सिंगल पीक में आपको दिखाई देगा इसका रीजन क्या है क्योंकि ये टोटोमराइजेशन शो नहीं करता तो सिंपल सी बात हम कैसे कह सकते हैं हम बोल सकते हैं कि अगर आपका जो सैंपल मोलिक्यूल है वो टोटोमराइजेशन कर सकता है तो हमको ये प्रिडिक्ट हो सकता है विद द हेल्प ऑफ रमन स्पेक्ट्रा हम रमन स्पेक्ट्रा को देखेंगे वहीं से हमें प्रिडिक्ट हो जाए कि आपका मॉलिक्यूटोराइजेशन करता है या फिर नहीं करता चीज क्लियर है तो यही थी आपकी एप्लीकेशन ऑफ रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी होप आपके लिए लेक्चर हेल्पफुल रहे अभी हम लेक्चर को यहीं फिनिश करते हैं मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पर